प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में अब तक कोविड-19 के 2.37 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं 16 जनवरी से आरंभ कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत जिला में अब तक 9,311 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। जिला में रिकवरी रेट 97% है। हालांकि मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लक्षण वाले लोगों से कोविड-19 के टेस्ट करवाने की अपील कर रहा है। जिला कांगड़ा में प्रथम चरण में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 13,576 स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित किया गया था। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर, जिनमें पुलिस, होमगार्ड, नगर निगम, नगर पंचायतों व नगर परिषदों के सफाई कर्मी, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में 60 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। अभी तक जो हम फर्स्ट फेज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को कवर कर रहे हैं। हमने इसके लिए 13,375 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिला में, और कल शाम तक जो है हम 93,111 को जो है वैक्सीनेट कर चुके हैं, और इसमें से कोई भी सीरियस एडवर्स इफेक्ट अभी तक जिला में रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा बात की जाए तो अभी दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कितने लोगों का जो है टीकाकरण किया जा रहा है? जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पुलिस कर्मी हैं, होमगार्ड्स हैं, रेवेन्यू पीपल हैं, पंचायती राज वाले लोग हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कमेटीज के मेंबर्स हैं, ये टोटल हमने 7,356 जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, और शीघ्र ही शायद नेक्स्ट वीक से हम इनकी भी वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे।